नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं लेके आई हूँ एक और ढोलक का वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा ढोलक का वीडियो लेके आई हूँ, जिससे आप लोग की बहुत सारे लोग की फरमाइश थी कि मैम आप हम लोग को ऐसा ताल भी बताएं जिससे हम लोग आरती और भजन पे, तो भजन और लोकगीत सारे भी बजाते हैं, और ऐसा आज कुछ ऐसा कुछ बताइए जिससे हम लोग भजन पे बजा सके और आरती के गानों पे भी बजा सके, क्योंकि सबके घरों में आरती होता ही है शाम को। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसके जिसके पास ढोलक है वो जरूर लेके आए, मेरे साथ प्रैक्टिस करें। जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को आरती पे ढोलक बजाना या भजन पे ढोलक बजाना, तो ताल एक है और फायदे आपके दो हैं, तो आप जरूर सीखें इस ताल को। क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे लोग आजकल तो ढोलक का इतना प्रचलन हो गया है कि आप भजन में जाएंगे तो भी ढोलक आपको बजाने के मिलेगा, आप शादी के विवाह में जाएंगे तो भी आपको बजाने को मिलेगा, आप लेडीज संगीत में जाएंगे तो भी आपको बजाना ढोलक। तो आपसे ये चीज क्या है, इतने सारे प्रोग्राम में जाना है और हमको ढोलक बजाने नहीं आता, तो बहुत ही गिल्टी फील होता है, बहुत ही बुरा लगता है गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं तो ये बोलते हैं कि यार आपको तो बजाने आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम आपको ये चीज फेस नहीं करना पड़ता जो मुझे करना पड़ता है। तो ऐसे चीजें, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा जैसे आज इन्होंने मुझसे बोला, तो इसीलिए मुझे लगा चलो ठीक है मैं आप लोग के लिए ऐसा कुछ एक ताल लेके आती हूँ जिससे आप लोगों को ये सामना ना करना पड़े कि मुझे ढोलक बजाने नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ढोलक पकड़ने भी नहीं आता, आपको ये ना कहना पड़े किसी से। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ और आप जरूर सीखें। और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं प्रेस करोगे तो आप लोग के पास मेरे वीडियो के कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। तो आप जब लाइव शेयर करोगे, जब आप सब्सक्राइब करोगे राइट से, तो आपको रेड कलर आप सब्सक्राइब करोगे, उसके बाद आपको जस्ट ऊपर ही बेल आइकन दिखेगा, उसको भी आप प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। और लाइक करना भी मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, आप जरूर शेयर करें और लाइक भी करें मेरे चैनल को। लाइक का निशान यही होगा जस्ट वीडियो के नीचे ही रहता है, तो आप उसे जरूर एक बार दबाएं। तो आइए मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग को बजाना कैसे है, बजाना है आप लोगों को ये तो आपको पता ही है, जी हाँ वही है, ये बेस साइड ही है। तो आपको बजाना है 1 2 1 2 3, 3 पे आपका ग्रुप फिंगर गिरेगा, ये वाले फिंगर गिरेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 6 पे 5 6, 5 पे ग्रुप फिंगर, 6 पे इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे आपको बजाना है 1 2 1 2 के बाद आप आ जाएंगे चाटी के साइड 3 3 पे आपका ये ग्रुप फिंगर गिरेगा 1 2 3 4, 4 गिरने के बाद 5 6, 5 पे आपका ग्रुप फिंगर है, 6 पे आपका इंडेक्स फिंगर है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका गिरेगा। अब देखिए मैं आपको चाटी के साइड और बेस के साइड दोनों बजा के दिखाती हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आपको बजाना है। देखिए मैं आपको अभी आरती पे एक बजा के दिखा रही हूँ। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कपराली तेरी गुने गाए भारतीयो भैया हम सब उतारे तेरी आरतीयो भैया हम सब उतारे तेरी आरतीयो भैया तू है जगदम्बे काली भजन में भी ऐसे ही बजाना है जैसे मैं आपको बताई हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बजा सकते हैं। बस आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी जैसे मैं आपको बताई हूँ। जल्दबाजी तो आप बिल्कुल मत करिएगा जैसे बताई हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है ऐसे आपको बजाना है। आप इसकी प्रैक्टिस खूब करें जब तक आपको खुद ना समझ में आ जाए आपके दिमाग में ना घुस जाए तब तक आप अपने हैंड को जल्दबाजी मत करिएगा अपने हैंड को जल्दी मत बजाने की कोशिश करिएगा। तो मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। हाँ एक बात और बता दूं आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए जिससे कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चलता है कि मेरे वीडियो आप लोग को कैसे लगते हैं। तो आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा और मैं एक नए वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय लव यू अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग।